रुक करते हैं प्रदेश की ओर। ज्वालामुखी मंदिर में एसडीएम अंकुश शर्मा की अध्यक्षता में ट्रस्ट की बैठक की गई, जिसमें योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व विधायक रमेश धवाला भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि पौराणिक अकबर नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और मंदिर में माता के विशाल स्टैच्यू का निर्माण किया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। ज्वालामुखी मंदिर में एसडीएम अंकुश शर्मा की अध्यक्षता में ट्रस्ट की बैठक की गई, जिसमें योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व विधायक रमेश धवाला भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि पौराणिक अकबर नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और मंदिर में माता के विशाल स्टैचू का निर्माण किया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा दृष्टि से और भी कदम उठाए जाएंगे। मंदिर में जिग जैग का निर्माण किया जाएगा और 4 बड़ी LED लगाई जाएंगी। मंदिर मार्ग 1 पर बनाई जा रही कैनोपी को हाईटेक किया जाएगा, जिसमें कैमरे, पंखे, लाइट्स लगाई जाएंगी और पीने के पानी की सुविधा भी करवाई जाएगी। इसके लिए 15 लाख का एस्टीमेट तैयार किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार जगदीश शर्मा, मंदिर ट्रस्ट सदस्य पुजारी मधुसूदन शर्मा, सौरभ शर्मा, प्रशांत शर्मा, प्यारे लाल, IPH व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए 2 गेट बनाए जाएंगे, एक अंदर आने का और एक बाहर जाने का, और 4 दीवारी की रेलिंग को भी आकर्षित बनाया जाएगा। इसके अलावा मंदिर को और आकर्षित करने के लिए छोटे बड़े कार्य किए जाएंगे। भैरव मंदिर का निर्माण भी जल्द संपन्न होगा। धवाला ने बताया कि DC कांगड़ा ने आश्वासन दिया है कि मंदिर को आकर्षित बनाने के लिए जो भी प्रयास किया जाएगा उस पर विचार विमर्श कर सहमति दी जाएगी और मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वार्ड के मानचित्र पर तो हम इसको और आकर्षित करना चाहते है। यहाँ पे जो अकबर ने नहर बनाई थी उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। माता का एक बड़ा स्टैचू जो है वो बनाना चाहते हैं, ताकि दूर से ही कम से कम चिंतपूर्णी से दिखाई दे कि यहाँ पे ज्वालामुखी की ये जो माता की मूर्ति है वो दिखाई दे रही है। और भी यहाँ पे छुटपुट जो काम है उनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर किया जाएगा। और इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे कोई गेट वगैरह जो है वो एक आने के लिए रखा जाएगा, एक जाने के लिए रखा जाएगा। और उसमें और भी जो जो कमियां हैं वो आज जो है वो ट्रस्ट की मीटिंग में पास हो चुका है कि इसका पूरा डिजाइन वगैरह बना करके, और ऐसे बड़े विजनल आदमी हैं उनसे ये ऐसा डिजाइन वगैरह करा के, ताकि सिक्योरिटी भी मंदिर की वो जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक हो। और उसमें उसमें जो है वो ये जो है वो मंदिर की जो जो रेलिंग वगैरह या जो भी लगाई गई उसमें सुंदरता भी हो। तो इस मंदिर को और आकर्षित करने के लिए जो छुटपुट कमियां जो दिखाई दी उसमें आज जो है वो फैसला लिया गया कि टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ये काम जो है वो किए जाएंगे, ताकि और यहाँ पे यात्री जो आए यहाँ पे ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगह है। यहाँ पे 4 जो है वो यहाँ पे बड़ी बड़ी LED जो है वो लगाई जा रही हैं, और उसमें सारी की सारी गतिविधियाँ जो है वो मंदिर की भी दिखाई जाए दी जाएंगी। और छोटे छोटे यहाँ पे और जो कार्यक्रम जो भी होंगे वो उसमें वो उसमें टेलीविजन जो मैं जो है वो दिखाई दे। इसमें फिल फ्रिज जो है वो भी बंद होगी, और जो बातें हैं यहाँ पे मंदिर में जो जो गतिविधियां हैं उनको भी हाईलाइट जो है वो किया जाएगा। इसलिए आज जो निर्णय लिए गए हैं बड़े ऐतिहासिक निर्णय हैं, जैसे कि हमारा जो यहाँ वो ये जो आज जो फैसला हुआ कि जो अकबर की जो नहर थी उसको हम रिस्टोर करके, ताकि वहाँ पे और मूर्तियाँ वगैरह लगा करके इसको और आकर्षित करेंगे, ये फैसला जो है वो आज लिया गया है। और इसमें DC साहब की सेंक्शन जो है वो भी इन्होंने भी एश्योरेंस दी है
कि मंदिर को और डेवलप करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए जो आप प्रयास करेंगे हम उससे सहमत हैं और इसमें कोई भी रुकावट या बाधा जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए मैं ट्रस्टियों का धन्यवाद करता हूँ, एसडीएम साहब हमारे साथ थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे तहसीलदार साहब थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ और साथ में जो अधिकारी आए थे सभी विभागों के उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक। यहाँ कनोपी बन रही है, कनोपी में थोड़ी कुछ हैंडल्स हो रही है, जो तारे हैं उसमें केबल में डाला जाएगा तो उसमें 14-15 लाख रुपया जो वो लगेगा और 14-15 लाख जो है वो हमने एस्टिमेट वगैरह बना करके डीसी साहब की स्वीकृति के लिए भेजा है। तो ये काम जो अब जो रुका पड़ा है और कनोपी जो है वो एंड तक जो है वो बनाई जाएगी, उसमें भी जो एडीबी के अधिकारी जो आए थे उनको ऐसे आदेश जो है वो दिए गए हैं ताकि लोग जो है वो शुरू से लेकर एंड तक मंदिर तक जो वो कनोपी में आए, ना बारिश का कोई ये होगा ना उनको धूप का कोई चक्कर होगा और उसमें पानी पीने की व्यवस्था भी की जाएगी तो और इसको ठीक लोग जो है वो सुगमता पूर्ण यहाँ पे आ सके और उनको सुविधा जो है मिल सके, ऐसा ही फैसले जो है वो आज दिए गए हैं। इतना कहते हुए धन्यवाद। ठीक है, एडीएम ने कहा कि मंदिर व शहर में होने वाले कार्यों को लेकर एडीबी के अधिकारियों से चर्चा की गई है, साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हम सारे एक टीम की तरह काम करेंगे, इसमें पुजारी वर्ग, मंदिर न्यास सदस्य व अन्य का अहम रोल रहेगा। आज मंदिर ट्रस्ट की एक हमने मीटिंग रखी थी और इसमें माननीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्लानिंग बोर्ड श्री रमेश द्वारा जी ने भी विशेष अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दी है। आज जो मेन पर्पज़ इस मीटिंग को करने का था वो था कुछ हमने एडीबी के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करनी थी, कुछ उनको साइट्स आइडेंटिफाई करके देनी थी, तो वो साइट्स वगैरह आइडेंटिफाई कर ली हैं। इसके अलावा कुछ एक और मुद्दे थे मंदिर हित में, कुछ हमने और काम डिसाइड करने थे, तो वो सारे विषयों पे डिटेल में चर्चा हुई है और कुछ एक विषय हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं और बाकी विषयों को माननीय जिलाधीश महोदय जो कि कमिश्नर कैंपस की अनुमति के लिए हम शीघ्र भेज देंगे और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम सब, चाहे मंदिर प्रशासन है चाहे हमारे पुजारी वर्ग है, हम सब मुझे उम्मीद है कि इकट्ठे एक टीम की तरह काम करके करते हुए मंदिर हित में सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मैं बार बार ये अपील भी करता हूँ सबसे और ज्वाला जी के लोगों से भी कि वो भी मंदिर हित में जो भी उनका सुझाव हो, कोई वो वॉलंटियरली कोई अपनी कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो वो हमेशा आमंत्रित है।